लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेसियों में भयंकर जश्न की आधी, भाजपा में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस संगठन में फेरबदल रायबरेली को लेकर भी बड़ा संकेत दे रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की गठबंधन रणनीति भले ही अभी साफ ना हो, मगर पार्टी महासचिव और पूर्व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के पुराने कांग्रेसी भी इसको मान रहे हैं। बस पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा बाकी है। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के सदस्य ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से लगातार सांसद हैं। 2004 से ही अमेठी से राहुल गांधी लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल 2024 के महासमर में प्रदेश की इकलौती बची सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। पिछले चुनाव में अमेठी गंवाने के बाद पार्टी इस बार रायबरेली को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही सोनिया गांधी इस बार स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा सक्रिय नहीं है। वहीं भाजपा अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली में भी कमल खिलाने की तैयारी में है। प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि पूरी संभावना है कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ही रायबरेली से लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार से चर्चाएं होती रही, मगर वह अभी तक प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं आई हैं। पार्टी ने संगठन में उनका महासचिव का पद बरकरार रखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया है। इससे साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वह उम्मीदवार बनेगी।